हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सविता और आप देख रहे हैं सविताज क्रिएटिविटी एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, पिछले महीने मैं मेरा गार्डन का अपडेट आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था, क्योंकि मैं गांव गई थी 10 दिन के लिए, तो वीडियो नहीं बना पाई। तो आने के बाद मेरा गार्डन का ओवरव्यू आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ दोस्तों, तो बहुत कुछ काम करके जाती हूँ। तो इस बार भी मैं बहुत कुछ चेंजेस मेरे गार्डन में की हूँ, क्योंकि बारिश का सीजन है। रेनी सीजन में दोस्तों गार्डन में बहुत कुछ काम होता है, वो सब मैं ख़त्म करके गई थी। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ मैं क्या क्या चेंजेस की हूँ। इसको मैंने चेंजेस नहीं किया है, ये ऐसे ही है। इसको भी मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, लेकिन इसका ग्रोथ देखिए, पूरा फुल ग्रोथ में है, क्योंकि रेनी सीजन में प्लांट्स सब बहुत खुशी खुशी बढ़ते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं। क्योंकि समर सीजन में दोस्तों प्लांट्स को कितना तकलीफ होता है ऐसे धूप में रह के, लेकिन रेनी सीजन में बहुत खुश होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स का चेहरा देख के ही आपको पता चल जाएगा। मेरे एडिनम में देखिए फूल खिला था, खिलने के बाद देखिए कितने सारे सीड पॉड बन गए हैं। इसको सब निकालूंगी, क्योंकि क्या करूंगी दोस्तों, इतने सारे मेरे पास है। बहुत सारे बीड्स भी निकल आए हैं, इसको भी साफ करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक नया एडिशन है मेरे गार्डन में, अलामेंडा का कलर, अलामेंडा फ्लावर्स का एक नया कलर, पीच कलर। और इसको मैंने ऐसे गमले में रिपॉट करके गई थी। और गुलाब भी धीरे धीरे खिल रहा है। और ये देखिए पैशन फ्लावर एक खिला है आज। पहले तो मिट्टी के गमले में ऐसे अलग अलग साइज अलग अलग गमले में था। एडिनम को जैसे मैंने इस बार सेम गमले में शिफ्ट किया था, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स को मैंने सेम साइज़ का पॉट दे रही हूँ, क्योंकि गार्डन में और थोड़ा सुंदर लगेगा मेरा गार्डन। सेम साइज और सेम पॉट्स में सेम प्लांट्स लगाने से जो ब्यूटी आता है, अलग अलग गमले में दोस्तों नहीं आता है। बहुत साल हो गया मैंने चेंजेस नहीं किया था, इसीलिए धीरे धीरे सब कुछ इस रेनी सीजन में चेंज कर रही हूँ। रोज प्लांट्स का दोस्तों देखिए 3 गमला ही मैंने रिपॉट किया है, क्योंकि ये 3 गमला पूरा टूट गया था, मिट्टी का गमला था। मैं समर सीजन में इसको संभाल के मैंने रखा था, जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हुआ नहीं, पिछले महीने जून में इसको शिफ्ट किया है। ऐसे सेम गमले सब सारे गुलाब को भी मैं कर दूंगी, क्योंकि मिट्टी का गमला सब टूट गया है, मेरा सब कुछ टूट गया है, और बहुत भारी भी होता है मिट्टी का गमला, इसीलिए ऐसे ही 3 गमला अभी की हूँ, और सारे गमला को ऐसे ही प्लास्टिक गमले में ही शिफ्ट करूँगी। कैट्स क्लाउ को देखिए, ये भी खिल रहा है। और अलामेंडा तो उसका सीजन है, ये बहुत खिलता है, देखिए पूरा फुल ब्लूम में है। और ये सब पॉट्स को देखिए, इसको भी मैंने सेम पॉट में चेंज किया है, 14 इंच का साइज पॉट में चेंज किया है इसको। और एक जोड़ा को देखिए, बहुत सारे फूल खिल रहा है अभी, कलियां हैं सब।
और ये टेकोमा भी खिल रहा है, एकजोरा भी खिल रहा है, हिबिस्कस भी, बहुत सारे फूल अभी खिल रहा है। ये वाइट कलर हिबिस्कस 10 दिन में दोस्तों इतना ग्रोथ हो गया है कि मैं जो चेंजेस की हूँ वो गमले सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कोलियस की कटिंग्स भी सब लगा के गई थी दोस्तों, देखिए सब अच्छे से चल रहा है। ऐसे कोलियस को बार बार लगाना चाहिए दोस्तों, अभी बहुत अच्छा मौसम है, अभी जो भी कटिंग्स आप लगा देंगे तो हो जाएगा। इस तरफ देखिए ये एक जोड़ा को देखिए फुल ब्लूम में है, और ये है बोगनविला, ये बड़ा वाला अलामेंडा, पूरा जंगल हो गया है दोस्तों। और इसको भी दोस्तों, ये हिबिस्कस भी छोटे गमले में था, इसको भी मैंने बड़ा गमला दिया है 14 इंच का गमला, क्योंकि ये बड़ा बड़ा फूल होता है, बड़ा गमले से ये और अच्छी तरह से खिलेगा। ये देखिए कितना बड़ा कलियां, ये इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा फूल होता है, ये हिबिस्कस में ये भी बहुत बड़ा फूल होता है हिबिस्कस का, इसीलिए इस बड़े गमले में शिफ्ट किया है। और इस लाइन को देखिए, ये सब सेम गमले में रिपॉट किया है, क्योंकि एक एक गमले में दोस्तों दो दो प्लांट्स भी था, सबको सेम साइज 10 इंच की गमले में इसको सब लगाया है। इसका ग्रोथ देखिए, ये भी बहुत ग्रोथ हो गया है, इसको भी प्रूनिंग करना है, ट्रिमिंग करना है, बिगड़ गया है बारिश में सब। बार बार दोस्तों टोपियारी सबको ऐसे ट्रिमिंग करने से ही इसका ब्यूटी आता है, नहीं तो बिल्कुल टोपियारी जैसा लगता ही नहीं है। देखिए इसको फिर से अभी मैं करूँगी ठीक। ये है लेंटेना, ये भी मेरा पहले था, इस बार न्यू लगाई हूँ, ये येलो कलर का मेरे पहले था लेकिन ख़राब हो गया था। ये मल्टी कलर का एक है दोस्तों लेंटेना, इसमें मल्टी कलर 3 कलर का फूल आता है, पहले खिला था अभी नहीं खिला है। ये रेड हिबिस्कस, ये झुमका फ्लावर, फिर दोस्तों ये स्टैंड को देखिए, ये स्टैंड का सारे प्लांट्स को मैंने रीपॉट किया है और सेम गमले किया है, 10 इंच के पॉट में सब कुछ रखा है। फॉर्म सब भी बहुत साल हो गया नहीं डिवाइड किया था, इसको भी मैंने डिवाइड करके गई थी, देखिए फॉर्म को पहले छोटे गमले में था तो बहुत ग्रोथ हो गया था, उसको डिवाइड करके देखिए कितने सारे गमले मेरे रेडी हो गए हैं। आप भी दोस्तों अगर फॉर्न, वेस्टर्न फॉर्न, फॉक्सटेल फॉर्न, ये सबको डिवाइड करके ही अलग किया जाता है, आप कर सकते हैं अभी इस टाइम रेनी सीजन में। जारबेरा को भी डिवाइड करके बहुत सारे गमले मैंने किया है, अभी बहुत और भी काम बाकी है दोस्तों, जो भी मेरे से हुआ ये सब करके मैं गई थी। तो इस गमला, इस स्टैंड देखिए कैसा दिख रहा है, गुलाब का भी ग्रोथ सब अच्छा चल रहा है। बारिश का सीजन था, रेनी सीजन था, तो दोस्तों मुझे इस बार कोई भी टेंशन नहीं था पानी देने के लिए,
लगातार बारिश हो रहा था और मेरे प्लांट्स सब भी बहुत अच्छे से हैं। और इस एरिया को देखिए, हिबिस्कस, इसको भी चेंज किया है। ये पॉलीथीन में था दोस्तों, ये हिबिस्कस और ये हिबिस्कस, इसको मैं बहुत बड़ा गमला दी हूँ, ये 14 इंच गमला दिया है दोस्तों ये। और ये सब तो पूरा पहचान भी नहीं सकते, इतना ग्रोथ हो गया है। इसको भी सब ठीक करना पड़ेगा। पूरा जंगल बन गया है ना। इस तरफ देखिए, मेरा जो कटिंग सब लगाती हूँ पॉलीथीन में सब है। ये भी एक तरह की गार्डन बन गया है और सुंदर दिख रहा है नहीं। ये सब मेरा कटिंग्स है। जो भी मेरे घर में आते हैं मैं इससे गिफ्ट देती हूँ ये प्लांट सब। कोई मुझे मांगता है तो ये गिफ्ट ये पॉलीथीन का ही दे देती हूँ। ये अपराजिता देखिए, 2-3 गमला अपराजिता की हूँ, क्योंकि अपराजिता बहुत सारे पॉट्स में ऐसे ही 2-2 प्लांट्स हुआ था, इसीलिए अपराजिता को भी मैंने 2 या 3 गमला की हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे मैं बहुत कुछ चेंजेस और भी करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी धीरे धीरे। और ये देखिए, ये क्रिसेंथेमम का कटिंग्स लगा के गई थी और वो पूरा हो गया। ये सब ब्लू डेज का कटिंग्स, ऐसे पूरा रेनी सीजन का व्यू मैं दे देती हूँ। 1 घंटा पहले दोस्तों बहुत बारिश हुआ था, इसीलिए मैं आज सुबह 8 बजे आई हूँ। देखिए पानी अभी तक गया नहीं, पूरा व्यू दिखा देती हूँ। रेनी सीजन दोस्तों बहुत, रेनी सीजन में दोस्तों आप बहुत सारे कटिंग्स लगा सकते हैं। अगर आप न्यू गार्डन बनाना चाहते हैं तो आप फ्री में किसी से भी कटिंग्स मांग के आप लगा देंगे तो वो आसानी से चल जाएगा और आपका गार्डन पूरा जल्दी तैयार हो जाएगा। इसीलिए आप अगर सोच रहे हैं, अगर दोस्तों आप नया गार्डन करने की सोच रहे हैं तो इस रेनी सीजन आपके लिए बेस्ट है। आप स्टार्ट कीजिए और बहुत सारा कटिंग्स लगा लीजिए। 1 महीने में आपका गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हो जाएगा। अगर ख़रीदना चाहते हैं तो नर्सरी से जाके प्लांट्स भी खरीद कर लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्डनिंग करें, खुश रहें। बाय।